नमस्कार। अरुणाचल प्रदेश में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर झड़प की खबर मिल रही है। 9 दिसंबर को भारत और चीन सैनिकों के बीच सेनाओं के बीच ये वाकया हुआ है। आपको बता दें, झड़प में कुछ सैनिकों के घायल होने की भी जानकारी मिल रही है। झड़प के बाद दोनों देशों के सैनिक पीछे भी हट गए हैं। इस पर अधिक जानकारी के लिए सीधे चलते हैं अपने सहयोगी राजीव रंजन के पास। राजीव, क्या डिटेल्स हैं आपके पास इस पर? देखिए, सेना की ओर से जानकारी दी गई है, ये 9 दिसंबर की घटना है और जो अरुणाचल का जो तवांग इलाका है वहां ये घटना हुई है। भारतीय सैनिक जब पेट्रोलिंग कर रहे थे तो चीनी सैनिकों के साथ उनकी झड़प हुई और उस झड़प में हमारे कुछ सैनिक जो है घायल हुए, और उसके बाद जो LAC पर यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जो एक मैकेनिज्म बना हुआ है दोनों देशों की सेनाओं के बीच में, जब झड़प होती उसको सुलझाने के लिए बकायदा एक फ्लैग मीटिंग हुई है और अब जानकारी ये मिल पा रही है कि मामला सुलझा लिया गया है, दोनों देशों की सेनाएं पीछे हट गई है। इसके पीछे जो सेना की ओर से जानकारी दी गई कि 2006 से एक मैकेनिज्म बना हुआ है, भारत और चीन की सेनाएं का सीमा का जो है निर्धारण नहीं हुआ है। दोनों देशों की सेनाओं का जो बॉर्डर को लेकर एक अपना अपना नजरिया है कि हमारी पेट्रोलिंग यहां तक जाएगी तो हमारी पेट्रोलिंग यहां तक जाएगी। इसी वजह को लेकर कई बार जो है न केवल अरुणाचल में बल्कि पूर्वी लद्दाख में भी सेनाओं के बीच में झड़प हो जाती है, लेकिन सेना का यह कहना है कि इसको लेकर मैकेनिज्म बना हुआ है, एक तरीका बना हुआ है जिसके आधार पर यह मामला सुलझा लिया जाता है। आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच में लगातार सीमा विवाद सुलझाने के लिए जो है एक बातचीत हो रही है, लेकिन अभी तक ये मामला पूरा सुलझा नहीं है। 2.5 साल पहले अगर याद होगा तो पूर्वी लद्दाख में जिस तरह से चीनी सैनिक आए थे और उसके बाद भारतीय सैनिकों ने जो कार्रवाई की थी इससे सीमा पर तनाव हो गया था। हालांकि उन मामला को सुलझाने के लिए 16 दौर की बातचीत हो गई है, लेकिन अभी तक वो मामला पूरी तरह नहीं सुलझा है। हालांकि कुछ एक बॉर्डर की बात करें, जहां देपसांग की बात करें और डेमचौक की बात करें, वहां अभी भी टसल बना हुआ है, लेकिन पेंगोंग त्सो की बात करें, गलवान की बात करें, हॉट स्प्रिंग की बात करें, वहां चीनी सैनिक पीछे हट गए हैं। तो भारत का साफ तौर पर यह कहना है कि चीन की ओर से अगर यथास्थिति को बदलाव करने की कोशिश की जाती है तो उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। यहां जो टसल हुआ था, जो झड़प हुई थी, उसको फिलहाल सुलझा लिया गया है, लेकिन सीमा पर जहां तवांग के लेकर अगर पूर्वी लद्दाख की बात करें तनाव बना हुआ है, भारतीय सेना अलर्ट है। बिल्कुल, आप हालात पर ध्यान बनाए रखें राजीव, फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और अब राजस्थान के कोटा जिले में आज दिल दहला देने वाली जानकारी सामने आई है। 3 अलग अलग मामलों में 3 बच्चों ने खुदकुशी कर ली है। इनमें से 2 बिहार के और 1 मध्य प्रदेश का छात्र था। इनमें से 2 ने जहर खा लिया था, 1 ने फांसी का फंदा लगा लिया था। तीनों बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे। पुलिस अब तक मामले की जांच कर रही है और बच्चों के परिवार वालों को सूचना दे दी गई है। शाम 6 बजे तक, तो आपको बता दें, माता पिता नहीं पहुंचे थे, तो अब यही हम इंतज़ार कर रहे हैं कि क्या और जानकारी मिले। तब तक जो वहां पर लोग मौजूद थे उनका क्या कहना है, सुना देते हैं आपको। 2 कोचिंग इंस्टीट्यूट के बालक हैं, बच्चे जिन्होंने सुसाइड किया है, जिनकी डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए पोस्टमार्टम रूम पर लेकर आए हैं, जिसकी कार्रवाई जारी है। दोनों पढ़े थे सर? दोनों विद्यार्थी हैं, छात्र? हाँ, कोचिंग छात्र हैं। एक ही हॉस्टल के हैं दोनों? एक ही PG हॉस्टल में रहते हैं दोनों। पिछले वक्त परसों रात में, कल पूरे दिन ना देखे थे, मतलब मिले नहीं, मतलब सामने देखा था। हाँ, दोनों। हाँ। और निर्भया फंड से महिला सुरक्षा के लिए जो गाड़ियां ली गई हैं, पूरा मामला आपको बता दें महाराष्ट्र से आ रहा है। उसका इस्तेमाल शिंदे सरकार के विधायकों की सुरक्षा पर किया गया, जिसके बाद से विपक्ष एक बार फिर से शिंदे सरकार को घेर रहा है। एक रिपोर्ट। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके विधायकों को Y+ सुरक्षा मिली है, लेकिन इसके लिए जो गाड़ियां इस्तेमाल हो रही हैं, वे निर्भया फंड से महिला सुरक्षा के नाम पर खरीदी गई थी। ये बहुत ही महिलाओं के प्रति आप एक तो उनकर आप उनको आप न्याय नहीं दिला रहे हो, और उनको जो अधिकार है निर्भया स्क्वाड का, वो भी आप उनसे छीन कर लेके जा रहे हो। और किसके लिए? ये जो बागी आमदार है उनके लिए? ये सरासर नाइंसाफी है। और सरकार को, ये गृह मंत्री को मैं अपील करती हूँ कि सारे व्हीकल्स जो इन 40 आमदारों के लिए दिए हैं महाराष्ट्र में, जो बागी आमदार है, वो त्वरित वो व्हीकल्स पुलिस फोर्स में वापस कर दें। महिला सुरक्षितता हो या नागरिक सुरक्षितता हो, ये किसी भी सरकार की जिम्मेदारी होती है। और जिस तरह से कैजुअल अप्रोच
ये ईडी सरकार कर रही है, और ये जो फंड डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने जब उनकी सरकार थी तब बनाया था, हर राज्य को केंद्र से पैसा आता है और वो इसी हेड पे आता है कि वो महिला सुरक्षितता के लिए ही उसको यूज़ कर सके। और जिस तरह से ये वीआईपी कल्चर ये नए ईडी सरकार ने लाया है वो बहुत बहुत एक गंभीर बात है। वहीं महिला बाल विकास मंत्री इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रहे हैं। आंदोलन करने का उनका अधिकार है, वो पहले ये बता दें कि निर्भया फंड तो कितने समय से उनके 2.5 साल में निर्भया फंड नहीं था क्या? उन्होंने 2.5 साल में निर्भया फंड का क्या उपयोग करा पहले उसकी ऑडिट करके लोगों के सामने आने दें। आरोप लगाना बहुत आसान है, काम करना बहुत मुश्किल है। उन्होंने 2.5 साल में कुछ नहीं किया, इसको छुपाने के लिए अब आरोप लगा रहे हैं। मैं इसमें ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ। महाराष्ट्र की नई सरकार में कैबिनेट में एक भी महिला मंत्री नहीं है, जिसे लेकर सवाल पूछे जा रहे थे, और ऐसे में अब इन गाड़ियों का इस्तेमाल अपनी सुरक्षा के लिए किए जाने की बात सामने आने पर महाराष्ट्र सरकार की फिर से किरकिरी हो रही है। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि 2024 की लड़ाई में बीजेपी के मुकाबले विपक्ष का मेन फ्रंट होगा, और नीतीश कुमार की इस पहल का उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने स्वागत किया है। पटना में जेडीयू का खुला अधिवेशन। नीतीश कुमार ने बीजेपी के खिलाफ विपक्ष की लड़ाई का बिगुल एक बार फिर फूका, कहा कि विपक्ष का गठबंधन कोई तीसरा मोर्चा नहीं होगा बल्कि मुख्य मोर्चा होगा। अरे कौन रहा था कि थर्ड फ्रंट, तो हमने कहा थर्ड फ्रंट कहा, अब अगला बार बनेगा वो मेन फ्रंट बनेगा। तो हम करते रहे अपना कोशिश कर रहे, मेरा बतवा मानेंगे तो ये हार जाएंगे, मेरा बात तो नहीं मानेंगे तो हम क्या करेंगे। अच्छी बात है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी ने ये बात कही, यही प्रयास लगातार सभी लीडर चल रहे हैं। शुरुआती तौर पे भी मैंने कहा कि जहां आदरणीय नीतीश कुमार जी इस तरह काम कर रहे हैं, तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर साहब वो भी काम कर रहे हैं, आदरणीय ममता बनर्जी जी ने भी कोशिश की, और मैं समझता हूं अगर ये सब बड़े लीडर्स कोशिश कर रहे हैं तो इसका एक रास्ता निकलेगा। जाहिर है बीजेपी को नीतीश की एक कोशिश रास नहीं आ रही है। भाजपा ने 17 साल उनके साथ गठबंधन धर्म का पालन किया है, वह हमेशा धोखा दिए, चाहे वह 13 का समय हो तो भी धोखा दिया, और 22 में भी उन्होंने धोखा दिया, भाजपा ने धोखा नहीं दिया। नीतीश जी हर पार्टी को गुलाम बना के रखना चाहते हैं। अभी अगर उनको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार सभी ने नहीं माना तो कल को वह फिर पलटी मार देंगे और कहेंगे कि कुढ़नी में राजद ने पूरी क्षमता से हमको हराया। विपक्ष के साझा मोर्चे की कोशिश में हालांकि नीतीश अकेले नहीं है, ममता बनर्जी और केसीआर पहले भी ये कोशिश करते रहे हैं। बीजेपी को रोकने के लिए एक गठबंधन जरूरी है, यह एहसास सबको है, पर दो सवाल इस एहसास के सामने है। पहला, गठबंधन का नेता कौन होगा? दूसरा, गठबंधन का कांग्रेस के साथ क्या रिश्ता होगा? क्योंकि नीतीश जिस पहले मोर्चे की बात कर रहे हैं वो यूपीए के रूप में पहले से मौजूद है। बहरहाल नीतीश की इस पहल पर सबकी नजर होगी। नई दिल्ली से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने क्लाइमेट चेंज को लेकर विकसित और अमीर देशों पर हमला बोला है। दोनों नेताओं ने कहा है कि ये मामला लोगों की जिंदगी से जुड़ा हुआ है, बड़ी तादाद में लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। बावजूद इसके, इस गंभीर मामले में विकसित देश अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। और अब बात महंगाई की। महंगाई के मोर्चे पर बड़ी राहत मिली है। खुदरा महंगाई दर 11 महीने के निचले स्तर पर आ गई है। नवंबर में यह घटकर 5.88% के स्तर पर आ गई। इससे पहले अक्टूबर में खुदरा महंगाई दर 6.77% थी। सरकार ने आज जारी आंकड़ों में ये जानकारी दी है। और अब खबर एक मध्य प्रदेश से, एक अंडरकवर कॉप के पुलिस वाले की कहानी की। जुलाई में इंदौर पुलिस को राज्य के सबसे बड़े एमजीएम मेडिकल कॉलेज में रैगिंग की गुमनाम शिकायत मिली थी। पुलिस ने भी इस शिकायत का पर्दाफाश पूरे फिल्मी अंदाज में किया। जीन्स टॉप और बैग टांगे 24 साल की
अंडरकवर पुलिस वाली शालिनी चौहान 3 महीने से ज्यादा रोज कॉलेज कैंटीन में बैठी रहती, दोस्त बनाती, कैंटीन में चर्चा करती। आखिरकार इस ब्लाइंड रैगिंग केस में उन्होंने अपनी टीम के साथ सबूत जुटाए, जिसके आधार पर 11 छात्रों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। 11 आरोपी छात्रों में से 9 मध्य प्रदेश, 1 बंगाल बिहार के। कॉलेज प्रशासन ने सभी को सस्पेंड किया है। और अब खबर कर्नाटक से। कर्नाटक के मंदिरों में अब जल्द ही सलाम आरती बंद हो जाएगी और ये संध्या नमस्कार के नाम से जानी जाएगी। निहाल किदवई की रिपोर्ट। मशाल सलामी, जिसे सलाम आरती के नाम से भी जाना जाता है, अब बंद हो जाएगी। राज्य धार्मिक परिषद ने ये फैसला लिया है। दक्षिणपंथी हिंदू संगठन काफी समय से इस आरती का विरोध कर रहे थे, जिसकी शुरुआत करीब 250 साल पहले टीपू सुल्तान के दौर में हुई थी। राज्य धार्मिक परिषद ने निर्णय लिया है कि अब से किसी भी मंदिर में सलाम आरती के रूप में इसका अभ्यास नहीं किया जाएगा। सलाम आरती को दीपा नमस्कार, संध्या नमस्कार, दिवातके नमस्कार के रूप में बदल दिया जाएगा। इतिहासकारों के मुताबिक सलाम आरती की शुरुआत टीपू सुल्तान के शासनकाल में उनके सम्मान में कोल्लूरु मुकाम्बिके मंदिर से हुई थी। इसके बाद सलाम आरती की परंपरा टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपटना के आसपास और फिर उनके अधीन राज्य के सभी मंदिरों में शुरू हो गई, जो आज भी जारी है। सलाम आरती टीपू सुल्तान के नाम से नहीं है, इसका संबंध कल्लूर माँ देवी से है। तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध जीतने के बाद टीपू सुल्तान जब वापस लौट रहे थे, तब कल्लूर माँ देवी के सम्मान में उन्होंने सलाम आरती की शुरुआत मंदिरों में करवाई थी। तभी से यह परंपरा चली आ रही थी। सलाम मंगल आरती ईरानी टीपू के नाम से नहीं है, इसका नाम बदलने का फैसला स्थानीय हिंदुओं की भावनाओं को भी आहत कर रही है। सदियों पुरानी परंपरा बदलने जा रही है। सलाम आरती का नाम बदलने का फैसला राज्य की धार्मिक परिषद ने लिया है। ऐसे में इंतजार नोटिफिकेशन का है, जिसके बाद सलाम आरती का नाम बदल दिया जाएगा। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, NDTV इंडिया।